आम आदमी पार्टी नेता कुंदन पांडे द्वारा फाग उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगी टीमों ने फाग गीत गाकर सभी का मनोरंजन किया। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के नेता कुंदन पांडे द्वारा रंग पंचमी पर्व पर फाग उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। ये आयोजन कुंदन हीरो एजेंसी के परिसर में हुआ। इस प्रतियोगिता में 5 टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों के प्रतिभागियों ने जमकर फाग गीत गाए और सबका मनोरंजन किया। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान बिलौजी टीम ने जीता और दूसरा स्थान चंदवाल टीम ने जीता। वहीं तीसरा स्थान कचनी टीम ने जीता। सभी विजेता टीमों को नगद पुरस्कार सहित सम्मान स्वरूप शील्ड प्रदान की गई। आम आदमी पार्टी नेता कुंदन पांडे ने इस आयोजन को लेकर कहा कि इस प्रतियोगिता को कराने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोक गीतों और संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगले वर्ष भी इस तरह का फाग उत्सव फिर कराया जाएगा, जिसमें और दूर दूर से फाग उत्सव टीम को आमंत्रित किया जाएगा। फाग प्रतियोगिता कराने का एक ही मकसद था कि हमारी लोकगीत जो सिंगरौली या गाँव देहात में लोकगीत है पर फगुआ जिसको कहते हैं, वह करीब करीब ख़त्म होने की कगार पे है। उसको क्योंकि हमारा जो पूर्वजों ने हमको जो दिया है उसको संवारना और सजाने का काम हमारे युवाओं को है, उसी का कंपटीशन हमने रखा है। और उस कंपटीशन का इस बार 6 टीमें भाग ली हैं। उम्मीद लगाते हैं कि अगले बार 7 टीमें भाग लेंगी और यह फाग जो हमारी लोकगीत है और प्रमोट होगा, इसका विकास होगा और ज्यादा प्रचार होगा, यही मेरी सोच थी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।